तौबा नौजबिल्ला साक्षी महाराज कह रहे हैं कि एक ईंट बाबरी मस्जिद की लाकर बैतुल खला में लगाई कि जो बैठे हैं असद साहब ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट, हम लोग बीजेपी के एजेंट। इस बार डिप्टी सीएम की लड़ाई और सीएम की लड़ाई है, लड़ेंगे। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपकी तरफ से ये मांग रखी है कि अगर तुमको हम 7% 12% 5% के वोटों के साथ अपना 20% जोड़कर तुम्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो तुमने आज तक हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा। आप लोगों से सवाल है कि आप भी गली गली ये पूछिए कि चार बार समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, चार बार मायावती जी मुख्यमंत्री बन रही हैं, कांग्रेस वाले भी बन रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि किसी मुसलमान को जिसका 20% वोट उनके वोटों में शामिल है उसको डिप्टी सीएम बनाएं। इस बार डिप्टी सीएम की लड़ाई और सीएम की लड़ाई है, लड़ेंगे। समाजवादी वाले बोलते, बहुजन वाले बोलते, कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनके नेता बोलते कि जो बैठे हैं असद साहब ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के एजेंट, हम लोग बीजेपी के एजेंट। और योगी जी बोल रहे हैं आजकल मंचों से कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले सपा की, बसपा की, कांग्रेस की बी टीम। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि चार बार मायावती मुख्यमंत्री बनी, इस चार बार में वो तीन बार किसके साथ मुख्यमंत्री बनी, किसके साथ बनी मुख्यमंत्री, किस पार्टी के साथ? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से मायावती तीन बार मुख्यमंत्री बनी, एजेंट हम लोग। समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह को लिया गया, कल्याण सिंह को ज्वाइन कराया गया, कल्याण सिंह के बेटे को मंत्री बनाया गया, विधायक बनाया गया। वो साक्षी महाराज जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद की शहादत में पहला फावड़ा उसने मारा, वो साक्षी महाराज जिसने ये बात कही कि बाबरी मस्जिद से जो ईंटें निकली थी उसमें से एक ईंट लेकर मैं घर आया, तौबा नौजबिल्ला साक्षी महाराज कह रहे हैं कि एक ईंट बाबरी मस्जिद की लाकर बैतुल खला में लगाई, उसको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, उसको भी लिया गया, एजेंट ये बैठे हैं। देखिए कितने बढ़िया हैं, नेता आप लेंगे, बीजेपी के साथ आप हाथ मिलाएंगे, मस्जिद शहीद करने वाले आपके साथ, बीजेपी के साथ सरकार आप बनाएंगे और एजेंट हम लोग। इस बार आपको जवाब देना है, सबको लेंगे, सारे लोगों को लेंगे। मुसलमानों से नफरत है, मुसलमान अगर साथ आएगा और उसको हक देना पड़ेगा और कुर्सी पे बिठाना पड़ेगा तो नहीं बिठाएंगे, बिल्कुल नहीं बिठाएंगे। लेकिन जिस सुनील सिंह ने हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रहते हुए एक मंच पर यह बात बोली कि मुसलमानों की जो औरतें मर चुकी हैं उन्हें कब्रों से निकालकर उनके साथ तौबा नौजबिल्ला गलत काम करो, उसको भी आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं, वो भी आपका नेता है। और अफसोस इस बात का है कि यहाँ के समाजवादी पार्टी भी उसको नेता मान रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं आपके विधायक जी, उसके भी नेता सुनील सिंह, शाहिद मंजूर साहब के भी नेता सुनील सिंह, सब जितने मुसलमानों के नेता समाजवादी पार्टी में हैं वो एक भी सवाल नहीं उठाने पर राजी हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुसलमानों में क्या दिक्कत है? नमाज गुरुग्राम में अगर पढ़ी जाएगी, मुसलमान इधर से उधर से आकर वहां नौकरी करते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, जमात बनाते हैं जुमे की, तो वहां पर परमिशन लेके वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक झुंड बनाकर एक पूरा जत्था बीजेपी के सपोर्ट से खड़ा होकर जाकर उनको नमाज पढ़ने से रोकता है, जबकि उनके पास पुलिस की परमिशन है, वो पुलिस के दस्तावेज के साथ वहां नमाज पढ़ रहे थे, जाके वहां गोबर के कंडे लगा दिए गए। अगर नमाज नहीं पढ़ने दोगे
और कह रहे हो कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे सरकारी जमीन पर, तो खाली मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से कि गोबर के कंडे डालने की परमिशन कहां से आई? गोबर फैलाओगे सरकारी जमीन पर, नमाज नहीं पढ़ने दोगे? हमारी जितनी मस्जिदें हरियाणा में वक्फ बोर्ड के पास है उसको वापस किया जाए, आपके मन से मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं। मैं बहुत वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, चुनाव में जनाब डॉक्टर मन्नान साहब आपके प्रत्याशी हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई आपकी लड़ाई है, हक की लड़ाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी विधायक आप जिता के भेजेंगे वो आपकी आवाज बनेंगे और इंशाल्लाह बहुत मजबूती से सरकार में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना सरकार नहीं बनने जा रही है, ये बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बच्चे लड़ो नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप सबको ये यकीन दिलाती है कि इस बार आपका वोट आपके हक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की ये जो विधानसभा है उसमें जो कुर्सियां होंगी उन पर अब की से आपका डिप्टी सीएम भी बैठेगा, लेकिन बिठाना आपको है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वक्त नहीं है आप लोगों